लो जी, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में और रमन संधू ब्लॉग में। नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। लो भाई, तो अभी मैं उठा ही था सुबह, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तभी तो देखो ब्रश वगैरह कर रहा हूँ, तो बाकी मैंने कहा आज दिखाते हैं आपको सुबह से ही क्या करेंगे। तो अभी तो वैसे जिम जाने का सोच रहा था मैं कि भी जिम जाऊँ, काफ़ी दिन हो गए जब प्रिंस आया था, उसके बाद ना एक हफ्ते की छुट्टी हो गई थी रक्षाबंधन पे, तो जिम वगैरह जा नहीं पाए थोड़े घर के काम वगैरह में। तो आज सोच रहा था कि चलो ब्रश वगैरह करके जिम जाते हैं, बाकी देखता हूँ क्या होता है। अभी भी मन नहीं कर रहा ना, एक बार गैप पड़ जाए फिर ऐसे ही होता है। तो चलो आज देखते हैं। बाकी देखो भाई, अपना मॉन्स्टर खड़ा है और हॉलैंड खड़ा है, देखो भाई। तो अभी टाइम भी 7 ही बजे सुबह के, तो चलो एक बार ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आज दिन में क्या करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आज खेत में क्या काम हो रहा है वो भी दिखाते हैं। बाकी आपको आज धान वगैरह चेक करवा के लाएंगे कि कैसा क्या है, है ना। तो चलो भाई ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको भाई। लो जी भाई, लो भाई, सुबह ब्लॉग शुरू कर लिया था, तो उसके बाद फिर पहले तुम बताया जिम जाना था, फिर जिम तो गए नहीं यार, है ना, घर पे कुछ ना कुछ करते रहे। अब खाना खाने लग गया था मैं, तो अब 3-4 बजे जाएंगे जिम। मैंने कहा चलो शाम को जाते हैं, तो उसके बाद आके देखते हैं, खेत चक्कर मारने जाएंगे। तो चलो अब खाना वाना खा लें, फिर अब आपको 3-4 बजे मिलते हैं, जिम चलें, फिर मिलते हैं। लो जी भाई, लो भाई, जा रहा था मैं जिम। वैसे तो अभी टाइम हुआ नहीं जिम का, वैसे तो 2 बज गए, वैसे 4 बजे जिम खुलती है। मेरे को मार्केट में काम भी था, तो मैंने कहा पहले मैं काम कर लूँगा। तो भाई धूप देखो कितनी कैड़ी हो रही है, देखो भाई। तो और भाई क्या कहते हैं, अब चलते हैं जिम, बाकी आपको भी दिखाते हैं फिर आके ना। तो मैंने आके शाम को आपको आज खेत का व्यू चेक करवाते हैं, खेत जाएंगे धान उन देख के आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपना मॉन्स्टर लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आपको आगे मिलते हैं। लो भाई, लो ये ब्लॉग ना काफ़ी दिन हो गए शुरू किया हुआ था मेरा, कम से कम हो गए 3-4 दिन ये ब्लॉग शुरू किया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा बिजी हो गया, दिल्ली वगैरह चला गया, तो उसके बाद मैं भी नहीं बना पाया ब्लॉग ना, थोड़ा काम से चला गया था, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो उसके बाद अब वापस आके मैंने कहा यार शुरू कर देते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं ब्लॉग। तो बाकी अब आज आपको दिखाते हैं, देखते हैं, अगर वैसे खेत जाना था वो ब्लॉग शुरू किया था मैंने खेत जाने के लिए, ठीक है, तो बीच में ही रह गया, तो आप देख लेना स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएगा। तो अब जा रहे हैं हम रीलें बनाने, रील्स वगैरह शूट करके लाएंगे भाई। मौसम देखो यहाँ पर बात कर रहा था ना, धान भी वो कटने वाले, 1 महीना रह गया। आज बारिश काफ़ी हो गई थी, तो चलो आपको चेक करा देते हैं ना, गाँव का व्यू भी चेक करा देते हैं। अगर देखते हैं अगर खेत के ऊपर चक्कर लगाना तो उधर भी जाएंगे, अपने खेतों की तरफ वो भी दिखा देंगे आपको। तो बाकी रील वगैरह जूट करते हैं चल के आप यार, काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए ब्लॉग आया ही नहीं, तो इसी चक्कर में नहीं आया, मैं घर पे नहीं था ना। तो अब डेली ब्लॉग आएंगे, तो अब आगे आपके लिए सरप्राइज भी है, बढ़िया ब्लॉग आएंगे। तो चलो अब आगे चल के मिलते हैं आपको, लोकेशन पे चलते हैं फिर मिलते हैं। लेके आएंगे हॉलैंड पे, तो उस पर समझ लो वो कल शाम तक या परसों सुबह तक आ जाएगा। हॉलैंड पे एक हुड लगवाना है, एक डेक लगवा देंगे, ठीक है ना। हमने कहा उस पर इसका तो तगड़ा सरप्राइज है भाई, हमने सोचा थोड़े दिन उस पर कर दें इससे पहले,
तो भाई इसके वाला तो अल्टीमेट है, आने वाला बस समझ लो 10 तारीख तक तो वो आ जाएगा। तो हमने सोचा जब तक हॉलैंड पे कर देते हैं, हॉलैंड पे हुड वगैरह लगा देंगे और सिस्टम लगा देंगे, वो यहीं लोकल से लगवा देंगे उसमें। तो भाई अब उसका हॉलैंड का ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। काफ़ी मैसेज भी आए थे बीच में कि यार हॉलैंड पे बनाओ, तो भाई उस पर बनाएंगे। तो बाकी यार देखो इधर आ रहे हो, और फिर जब तक जॉन डियर को करेंगे ना, उस पर भी लगा हुआ था, दोनों ट्रैक्टर अच्छे लगेंगे। तो हमने इसीलिए सोचा कि यार हॉलैंड पे भी करवा दें, नहीं तो वो बेचारा ऐसे रह जाएगा, उस पर ना हुड लगेगा ना सिस्टम, फिर ये ट्रैक्टर और ऊंचा लगने लग जाएगा उससे। तो भाई हम मेन रोड पर आ गए अपने, अपने रील्स वगैरह तो शूट कर ली थी। तो बाकी अब भाई लोग मिलने आ रहे हैं, उनका फ़ोन भी आ गया था। बाकी देखो भाई मॉन्स्टर की लुक कितनी बढ़िया आ रही है, इस टाइम मौसम भी बढ़िया है। बाकी भाई सिस्टम वगैरह लग जाएगा ना, सिस्टम लग जाएगा तो और बढ़िया लगेगा जी। बाकी देखो भाई बात भाई सिस्टम भी हमें बहुत जल्दी है कि सिस्टम आ जाए। फ़ोन करते रहते हैं भाई को, जो भाई तैयार कर रहा है पंजाब में, उसको फ़ोन करते रहते हैं भाई कितने दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे, डेली अपडेट लेते रहते हैं। बाकी चलो भाई अब भाई लोग एक बार आ जाएं, उनसे मिल लेते हैं ना। तो बाकी फिर चलेंगे खेत की तरफ, बाकी रील्स वगैरह उधर शूट कर लेंगे। यहाँ कर ली यार काफ़ी, एक तो थोड़ा ना अभी मैं ट्रैक्टर इधर से ले नहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा यार अब वो गंदा हो जाएगा। तो बाकी कोई नहीं, बाकी कल हॉलैंड की भी रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी। और अब नेक्स्ट ब्लॉग हॉलैंड पे आएगा भाई, हॉलैंड पे लगवा रहे हैं हम, कल हुड वगैरह लगवाएंगे और उस पर सिस्टम लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे मिलते हैं भाई, थंबनेल वगैरह ले ले फिर मिलते हैं तुम्हें। हेलो भैया, जा रहे हैं घर को, तो भाई लोग आए थे मिलने, मिल लिया, लेकिन यार वीडियो नहीं शूट करी मैंने, वीडियो इसलिए नहीं शूट करी, बातों के करने लग गए थे।
होगा ही होगा। देखते कल शाम या परसों सुबह तक आएगा हॉलैंड का, हॉलैंड वाला लेके आएंगे तो फिर उस पर लगवा देते, वो भी थोड़ा सही लगने लगे अपना। अभी इसका तो थोड़ा टाइम है सिस्टम आने में, तो भाई इसका सिस्टम सिस्टम आ जाएगा, इसका फिर करते हैं ना। हेलो चलते वो आगे मिलते हैं। भाई आज तो रील्स वगैरह शूट करने गए थे, तो आपको जैसे बताया कल को ना हॉलैंड में हुड वगैरह लगाते हैं और उसका सिस्टम लगाएंगे। भाई खेत पे भी जाना था उधर चक्कर मारने, लेकिन खेत तो जा नहीं पाए क्योंकि तो आपको बताया ना वो भाई लोग आ गए थे मिलने। तो अब भाई देखते हैं, टोजन भी आ रहा है अपने इधर, क्या कहते हैं पूरतपुर साइड, देखते हैं 23-24 को जहाँ 27-28 को है। तो वो भाई लोग भी यही बात करने आए थे, वो भी अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे। तो देखते हैं भाई अपना मोस्टर लेके चलते हैं टोजन पे, तो बहुत बढ़िया ब्लॉग आने वाले आने वाले। अब तैयारी करेंगे फुल इसकी, अभी टाइम है तो भाई इसके बाद देखते हैं इसको टोजन पे लेके चलेंगे। भाई इसका पहला टोजन मुकाबला होगा तो पूरनपुर में, बहुत तगड़ा होने वाला है उधर। तो देखते हैं अब तैयारी वगैरह शुरू करते हैं कल से पूरी, तो अभी डेट तो फाइनल नहीं है लेकिन हो जाएगी, तो भाई लेके ज़रूर जाएंगे। भाई इसकी पूरा करती हूँ अभी, कोई आएगी आ गया ठीक है ना भाई। चलो अब लगा दे अंदर और करते हैं ब्लॉग का एंड। भाई टोजन वाले तो ब्लॉग बढ़िया आएंगे, और अपने मोस्टर का पहले ही टोजन होगा वो। चलो लगा दे भाई इसको भी शेड में, इसको दे दिया आपको ना हॉलैंड को लेके जाएंगे, उसका हुक लगाना और एक लगाना सिस्टम ठीक है ना। लो भाई लोग अब करते हैं ब्लॉग का एंड। देखो भाई आ गए थे घर पे, शेड में लगा दिया भाई अपना ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का मॉन्स्टर जैसे आपको बताया कि टोचन आ रहा है भाई। अब देखते हैं 23-24 को या 27-28 को है शायद पूरमपुर साइड, तो वो भाई आए थे तो यही बात करने, बाकी मिलने आए थे ये बातें भी हो गई। तो मेरे से कह रहे थे भाई लेके चलो, मैंने ले चला भाई, और इसका फर्स्ट टोचन होगा। तो देखते हैं अपने टायर लेने पड़ेंगे, जो पीछे वाले ये वाले टायर लेने पड़ेंगे अपने को, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी तो वो अपने कर लेंगे। तो कल को तो जैसे इसको लेके जाना है हॉलैंड को, इस पर लगाएंगे हुड लगाना है, एक लगाना है, कल देखते हैं। तो चलो अपना ये ब्लॉग था यहीं तक है ना, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ठीक है ना। तब तक भाई टेल देन बाय बाय, मिलते हैं।